हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेटिंग क्रोशे बाय संजू। आज मैं आपके लिए रोज़ फ्लावर बनाकर लाई हूं जो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं रोज़ फ्लावर क्रोशे से बनाई हूं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। देखिए बहुत ही सुंदर है, रोज़ फ्लावर में बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रोज़ फ्लावर की वीडियो है, ये मैं पूरी 5 पार्ट में पूरी कम्प्लीट करूँगी ये सारे रोज़ की वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये जो है फ्लावर, छोटे फ्लावर जो है, ये फ्लावर की पंखुड़ी में बनाना बताऊंगी। सेकंड पार्ट में आपको ये जो कली है, ये मैं कली बनाना बताऊंगी। और थर्ड पार्ट में आपको ये लिप्स में बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट में आपको ये जो फ्लावर है, बड़ी फ्लावर, ये बड़ी फ्लावर के पंखुड़ी में बनाना बताऊँगी। ये छोटी फ्लावर, बड़ी फ्लावर दोनों का पंखुड़ी अलग अलग तरीके से मैं बनाई हूँ। तो ये मैं फोर्थ पार्ट में बनाना मैं बताऊंगी। और फिफ्थ पार्ट में आपको ये जो बैक साइड की जो कली है, ये मैं बनाना बताऊंगी फिफ्थ पार्ट में। और फ्रेंड्स फिफ्थ पार्ट में एक फ्लावर जो पूरी मैं कंप्लीट करके अच्छी तरह से मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बनाकर यूट्यूब में मैं अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। जैसे कि ये जो फ्लावर की पंखुड़ी है, ये मैं बनाना बताई हूँ फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बनाकर यूट्यूब में चैनल में डाल रखी हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। देखिए इस तरह की मैं इसकी वीडियो में बनाकर यूट्यूब में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सेकेंड पार्ट की वीडियो में बनाना स्टार्ट कर दें। सेकेंड पार्ट में ये जो है फ्लावर की बैक साइड की जो कली है, ये मैं बनाना बताऊँगी। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, मैं सेकेंड पार्ट की वीडियो में बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए 12 नंबर के मैं क्रोशे यूज कर रही हूँ। और ये ऊन जो है, देखिए पतली ऊन है, 2 प्लाई ऊन है, इसलिए मैं इसको मैं डबल करके मैं बना रही हूँ। आप इसे 4 प्लाई में भी बना सकती हैं। तो पहले मैं देखिए इस तरह से मैं सर्कल की तरह मैं शेप बना लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद में 1 चैन बनाऊँगी यहाँ पर मैं इस तरह से। इसके बाद में देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी। ये जो सर्कल है, इस सर्कल में मैं ही इस तरह से मैं क्रोशे डालूंगी और सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 सिंगल क्रोशे इस तरह से मैं बना ली हूँ। अब जो है ये जो धागा है, इसको मैं इस तरह से मैं टाइट कर लूँगी। देखिए इस तरह से छोटी सी, देखिए सर्कल की तरह से बन गई है। लास्ट में मैं यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी ये जो चैन दिख रही है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि छोटी सी शेप बन रही है, तो छोटी सी चीज़ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये जैसे बनती जाएगी उस तरह से बनाने में आपको आसानी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 चैन बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैन में क्रोशे डालूँगी, सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाऊँगी। सेकेंड चैन में क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाऊंगी। थर्ड चैन में क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाऊंगी। देखिए फोर्थ चैन में मैं क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लूंगी। इसके बाद देखिए फिफ्थ चैन में क्रोशे डालूंगी और सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लूंगी। और लास्ट में मैं यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद में इसको देखिए इस तरह से मैं पलट लूँगी। देखिए इस तरह से मैं पलट लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 1 चैन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से, और देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूँगी और 2 सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। 1 2, इसके बाद देखिए फर्स्ट चैन में क्रोशे डालूंगी, 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए 1 2, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए थर्ड चैन में क्रोशे डालूंगी, 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2, देखिए फोर्थ चैन में क्रोशे डालूंगी, 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2,
लास्ट में देखिए फिफ्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी, टू सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, वन टू, और यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। इसके बाद में वन चैन बनाऊंगी मैं यहाँ पे, और देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और टू सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, वन टू। इसके बाद देखिए सेकंड चैन में क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी, टू सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फोर्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है, वन सिंगल क्रोशिया, इसके बाद टू सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते ही पूरे राउंड जो है कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से टू सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, इसके बाद टू सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए लास्ट में यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए वन चैन बनाऊँगी और इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, और सेकंड चैन में क्रोशिया डालूँगी और टू सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, वन टू। थर्ड चैन में क्रोशिया डालूँगी, वन सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चैन में क्रोशिया डालूँगी, टू सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए फिफ्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी और टू सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए फर्स्ट सेकंड चैन में वन सिंगल क्रोशिया, थर्ड चैन में टू सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड चैन में सिंगल क्रोशिया, थर्ड चैन में टू सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड जो है कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए वन चैन बनाऊंगी, इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया, थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया, और फोर्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी, टू सिंगल क्रोशिया, वन टू। फोर्थ चैन में टू सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी, यहाँ से मैं देखिए काउंट करूँगी, फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी सिंगल क्रोशिया, सेकंड चैन में क्रोशिया डालूंगी सिंगल क्रोशिया, थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी सिंगल क्रोशिया, और फोर्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी टू सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चैन में सिंगल क्रोशिया और फोर्थ चैन में टू सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे वन चैन बनाऊंगी और इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी सिंगल क्रोशिया, सेकंड चैन में क्रोशिया डालूंगी सिंगल क्रोशिया, थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चैन में क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इधर सारे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद सेम इसी तरह से सारे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टू रो और मैं कंप्लीट कर लूँगी, टू राउंड। जैसे कि देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए और सेम इसी तरह से वन रो और मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसे देखिए फर्स्ट रो में कंप्लीट कर लूँ, सेकंड रो में बना रही हूँ, थर्ड रो इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए मैं लास्ट ट्रॉफी में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 देखिए 4 चैन बनाऊंगी। इसके बाद में देखिए क्रोशे पर 2 बार धागा लूँगी, 1 2 इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए 1 2 और देखिए ये जो क्रोशे पर धागा है इसको मैं छोड़ दूंगी, इसको मैं नहीं बनाऊंगी। इसके बाद देखिए क्रोशे पर 2 बार धागा लूंगी दोबारा और फर्स्ट चैन में क्रोशे डालूंगी और इस तरह से बनाऊंगी। देखिए 1 2 2 बार में इस तरह से निकाल के देखिए क्रोशे पर 1 धागा इस तरह से बन गई है। देखिए 1 2 3 धागा हो गई है। इसी तरह से सेकेंड चैन में क्रोशे डालूंगी और सेम इसी तरह से बनाऊंगी। देखिए इस तरह से थर्ड चैन में क्रोशे डालूंगी और सेम इसी तरह से बनाऊंगी। देखिए फोर्थ चैन में क्रोशे डालूंगी और सेम इसी तरह से बना लूंगी। देखिए इस तरह से इसका देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे इस तरह से बन गई है। इसको मैं एक साथ में इस तरह से मैं निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से इसके बाद 1 2 3 4 चैन बनाऊंगी और देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में ज्वाइन कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद देखिए 4 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 और सेम उसी तरह से क्रोशे पर मैं देखिए 2 बार धागा लूंगी और देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैन में क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए क्रोशे पर 2 बार धागा लूंगी, सेकेंड चैन में क्रोशे डालूंगी और सेम इसी तरह से बनाऊंगी। क्रोशे पर 2 बार धागा लूंगी, थर्ड चैन में क्रोशे डालूंगी और सेम इसी तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। फोर्थ चैन में क्रोशे डालूंगी और इस तरह से बनाऊंगी। देखिए क्रोशे पर मैं 2 बार धागा ले रही हूँ। देखिए इस तरह से फिफ्थ चैन में क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे हो गई। इसको मैं एक साथ इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद 4 चैन बनाऊंगी, 2 3 4 और यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद मैं 4 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से मैं देखिए 1 2 कली, देखिए इस कली के देखिए ये जो लिप्स होती है ये मैं 1 2 में बना ली, 2 और बना लूँगी। जैसे कि मैं देखिए इसमें बनाई हूँ 1 2 3 4 देखिए 4 पीस इस तरह से बने हुए हैं, 2 इधर 2 इधर। सेम इसी तरह से मैं इसमें 4 पीस में कंप्लीट कर लूँगा। देखिए 1 2 बना ली हूँ, 2 और मैं बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं देखिए 1 2 3 4 में कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे यहाँ पे 1 चैन बनाकर इसको उनको मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। ये जो ऊन है इसको मैं इस तरह से यहाँ पे मैं अंदर कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं एक कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से मैं बना ली हूँ। जैसे कि देखिए ये जो मैं पंखुड़ी बनाई हूँ फ्लावर की, ये जो है इसमें इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से बैक साइड से इस तरह से आएगी। देखिए ये जब फ्लावर कंप्लीट होगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट में ए में फ्लावर की पंखुड़ी में बनाकर इसकी वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ। और फ्रेंड्स देखिए सेकंड पार्ट के वीडियो में बना रही थी। देखिए सेकंड पार्ट के भी वीडियो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर ये बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, और थर्ड पार्ट में आपको जैसे कि ये जो लिप्स है ये लिप्स में बनाना बताऊँगी आपको थर्ड पार्ट में।
तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो को आप ज़रूर बनाएं, आप ये फ्लावर ज़रूर आप बनाएं, ट्राई करें। और फ्रेंड्स, बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।